गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केके किचन पॉइंट। आज मैं एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त। जी ये मठरी की रेसिपी है, कितना क्रिस्पी बना है ये आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है और कितना फूला फूला भी है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो बिना स्किप किए देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैंने 2 बोलू मैदा ले लिया। सबसे पहले 1 स्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ, 1 स्पून सॉल्ट, 1/4 स्पून कलौंजी डाल रही हूँ, 1 स्पून घी, देसी घी। इन सभी को अब बढ़िया से मिक्स कर लूँगी, इसी तरह मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, पानी डाल के इसको डो तैयार कर लूँगी। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, डो जो है थोड़ा टाइट होना चाहिए, मछली का डो हमेशा थोड़ा टाइट होते हैं। डो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई है तो उसमें क्रिस्पीनेस नहीं आता है। क्रिस्पीनेस लाने के लिए डो थोड़ा टाइट होना चाहिए। देख सकते हैं हमारे डो तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। हमने अपने डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिए थे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, ये बिल्कुल परफेक्ट गूंदा है, जैसे हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा हाथों से और गूंद लूँगी, बिल्कुल रेडी है। और इसे थोड़ा थोड़ा बॉल बना के और इसको हम बेल लेंगे, इसी तरह बेलना है। अब बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, बहुत ज़्यादा मोटा रखने से क्या होता है वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल के इसी तरह बेल लूँगी। अब बेलने का थिकनेस कितना होना चाहिए ये मैं बता रही हूँ आपको, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। और मैंने इसे कटोरी ले लिया, कटोरी के हेल्प से इसको गोल शेप दे दूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ फॉक ले लिया, फॉक की मदद से इसमें थोड़ा डॉट लगा दूँगी ताकि हमारे जो मछली जब फ्राई हो तो अच्छे से फूल जाए। अब निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी, अब बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी सारे मछली। सेकंड स्टेप में भी मैं बिल्कुल सारे प्रोसेस सेम करूँगी। देख सकते हैं इसी तरह करना है, आप अगर दूसरी तरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए कितने सारे बन गए हैं। यहाँ मैं आप कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में तेल डालूँगी, 250 ml तेल डाला। तेल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा से डीप फ्राई होगा। इसमें मैं सारी मछलियों को डाल दूँगी। मैं 2 बार में इसे फ्राई करूँगी, आप चाहे तो 1 बार में भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 बार में ज़्यादा डालने से क्या होता है सही से फ्राई नहीं हो पाएगी। देखिए कितना बढ़िया से फ्राई हो रही है हमारी मछली, कितनी अच्छे से फूल रही है, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। लेकिन इसको ये कलर काफ़ी नहीं है, इसको और अच्छा डीप फ्राई करना है और बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, गोल्डन सुनहरी गोल्डन ब्राउन कलर आया है, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। मछली को हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम पे, जितना लो रहेगा फ्लेम उतना ही क्रिस्पीनेस आएगा। इसी तरह ज़्यादा करके बना के इसको रख सकते हैं स्टोर करके, चाय के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं सुबह शाम। अब बच्चे भी इसको घूमते फिरते खाते रहेंगे तो वो भी इंजॉय करेंगे, बढ़िया लगता है खाने में भी। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, इसी तरह से सारे मछलियों को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें थोड़ा सा मसाला मैंने ऊपर से छिड़क दिया। इस तरह से बना के खाएं और इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट करें मेरे वीडियोस पे, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।